तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस टर्मिक्स ट्यूटोरियल की न्यू वीडियो में। और मैं वापस से आज आपको मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल करना बताऊंगा। मैंने एक और वीडियो पहले बना रखी थी, बट उसको यूज़ करने के बाद काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने भाई मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल करने का एक दूसरा मेथड निकाला है और मैंने इसको बिल्कुल टेस्ट किया है। ऐसा मत करना कि तुम लोग मेरे किसी स्टेप को छोड़ दो, इस वीडियो के किसी स्टेप को छोड़ दो और तुमसे हो ना तो तुम ये बोलो कि वीडियो गलत है। मैंने इसको पूरा टेस्ट किया है, तभी मैं वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप मेटास्प्लॉइट को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो सबसे पहला और सबसे मेन स्टेप होता है अपने फोन के अंदर एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड करना। ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, एपीटी अपडेट कर ले रहा हूं यहां से, ठीक है। आप लोग भी सेम टू सेम मेरे जैसे लिखिए, एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड, ठीक है। यहां पर आप लोग देख पाओगे कि मैंने एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड लिख दिया, और यहाँ से मैं अगर इंटर करूँगा तो मेरा एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड हो जाएगा, ठीक। जब तक ये हो रहा है, इसको होने देते हैं, तब तक मैं आपको मेटास्प्लॉइट कहाँ से इंस्टॉल करना है वो वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। आइए इसको मैं यस कर दे रहा हूँ, यहाँ से यस आएगा, आप लोगों को भी यस कर देना है, ठीक है। आइए हम लोग वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को गूगल के ऊपर सिंपल से जाना है और वहाँ पे क्या लिखना है, मेटास्प्लॉइट टर्मेक्स। जैसे ही आप लोग ये चीज़ लिखते हो ना, आपको काफ़ी सारी वेबसाइट मिलेगी, पर आपको स्लाइड करके ये जो गीक्स फॉर गीक वाली वेबसाइट है, यहाँ पे देख पाओगे आप लोग, मैं थोड़ा सा इसको आप लोगों को एकदम अच्छे से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वाली जो वेबसाइट है, ये गीक्स फॉर गीक वाली ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है ना, इसी वेबसाइट पे आप लोगों को जाना है और इसी वेबसाइट से आप लोगों को इंस्टॉल करना है टर्मेक्स, याद रखिएगा। ओके, इसको मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ, मैं अपने पेन को हटा लेता हूँ, यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, स्टेप बाय स्टेप इन लोगों ने सारे स्टेप को दे रखा है। आप लोग चाहो तो इनके स्टेप्स को भी फॉलो करके कर सकते हो, बट इसके अंदर एक मेन एरर आता है जिसे कहते हैं बंडल इंस्टॉल एरर। वो एरर कैसे फिक्स करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग या तो मुझे फॉलो करो या तो यहाँ से भी आप लोग खुद से फॉलो कर सकते हो। देखो, एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड वाला यहाँ पे पहला कमांड था, हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हम लोग बढ़ते अपने सेकेंड कमांड के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं, पीकेजी इंस्टॉल डब्ल्यू गेट कर्ल, और यहाँ पे ओपन SSH गिट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग पूरा कर लेंगे यहाँ से कॉपी, और हम लोग आ जाते हैं अपने इसी के अंदर। और यहाँ पे देख पाओगे कि ये डिफॉल्ट पे N का सेक्शन है, तो मैं इसको N दबा करके यहाँ से इंटर कर दूंगा, ठीक है। और हमारा जो APT अपडेट और APT अपग्रेड का सेक्शन है वो आगे बढ़ जाने वाला है। जब भी ये आएगा, आपको जो डिफॉल्ट का सेक्शन है, डिफॉल्ट में जो भी वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, आपको वही वर्ड दबा के एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे देख पाओगे फिर से आया था, एन दबा दिया मैंने, और फिर से आया, मैं फिर से एन दबा के इसको कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग इस चीज़ में गड़बड़ बहुत भयानक कर देते हैं, वो लोग अपने टर्मेक्स को एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड नहीं करते हैं, इस वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और हमेशा याद रखना कि कभी भी तुम अपना टर्मेक्स इंस्टॉल करो तो कभी भी प्ले स्टोर से मत करना, हमेशा एफड्रॉइड वेबसाइट से ही टर्मेक्स को इंस्टॉल करना, ओके। तो यहाँ पे देख पाओगे कि हम लोगों ने वापस से कर लिया सारे काम को, फिर से मैं दबा दे रहा हूँ एन, और ये इस बार कम्प्लीटली यहाँ से इंस्टॉल होने वाला है, ठीक है। हमारा एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड एकदम कम्प्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को वो जो हमने कमांड को कॉपी किया था ना, उस कमांड को हम लोगों को पेस्ट करना है। आइए मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देख पाओगे हमने उस कमांड को बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर दिया, ठीक। और यहाँ से हम लोग इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई भी काम करने का, सारा काम ये ऑटोमेटिक करने वाला है। यहाँ पे देख पाओगे कि सारी प्रोसेस ये ऑटोमेटिक कर रहा है, ठीक। अब जैसे ही यहाँ पे ये देखिए, प्रोग्रेस 96% है। ये 100% होने के बाद कुछ आपको इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक। अब ये इतना हो गया, अभी अब आपको आगे जाके नेक्स्ट कमांड पे जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं, एपीटी इंस्टॉल, और जो भी यहाँ पे यूटिलिटी लिखी हुई है इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आप लोगों को कोई भी काम अपने दिमाग से नहीं करना है, जहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना होगा उस जगह के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा, जब मेटास्प्लॉइट को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे होंगे, ठीक है। ये अभी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक। ये वाला पैकेज भी हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे देखो, ये जो सोर्स वाला पैकेज है ना, ये है हमारा मेटास्प्लॉइट का पैकेज। और आप लोगों को याद रखना होगा कि मेटास्प्लॉइट के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है टर्मेक्स के अंदर, तो प्लीज़ अपने टर्मेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस रखिएगा, मतलब अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको पेस्ट करेंगे और इंटर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए, मेटास्प्लॉइट को ढूंढेगा,
और यहाँ से देख पाओगे कि ये लोडिंग के सेक्शन में आ चुका है, ठीक है। अब इसको लोड हो जाने देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है कि अब हमारा मेटास्प्लॉइट यहाँ से इंस्टॉल होना शुरू होगा, ठीक है। ये 736 MB का है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो हम लोग अभी वेट करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख पाओगे कि हमारा जो मेटास्प्लॉइट है बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अभी यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है, मेटास्प्लॉइट को लॉन्च करने के लिए MSF कंसोल नाम का आपको कमांड डालना है। पर एक मिनट, अभी आपको ये कमांड को नहीं डालना है, आपको सबसे पहले मेटास्प्लॉइट की जो डायरेक्टरी है ना उसके अंदर जाना है, तब ये कमांड को डालना है। तो कैसे आप लोग करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है ls। जैसे आप लोग ls टाइप करते हो मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क यहाँ पे आ जाता है। आपको सिंपल से ये पूरा मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और ये देख सकते हैं मैंने पूरा फ्रेमवर्क यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ cd, चेंज डायरेक्टरी हम लोग कहाँ करेंगे, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर। और मैं एंटर करता हूँ। यहाँ आप लोग देख पाओगे कि हम लोग मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको MSF कंसोल को लिखना है, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले इस डायरेक्टरी के अंदर आने के बाद भी एक बार आप लोगों को ls करके ट्राई करना है। जब आप ls करके ट्राई करोगे तो यहाँ पे देखो MSF कंसोल यहाँ पे आपको दिखेगा, और आप लोगों को सिंपल से क्या लिखना है, MSF और यहाँ पे console MSF कंसोल हम लोगों ने लिखा। और इसको रन करने के लिए आपको इसके स्टार्ट में डॉट और स्लैश लगाना ज़रूरी है, ठीक है। डॉट स्लैश MSF कंसोल, और मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख पाओगे कि थोड़ा सा ये वेट कर रहा है, टाइम ले रहा है यहाँ पे। और मैं वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल पॉज नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए वही एरर जो लोगों को काफ़ी परेशान करता है, वो एरर यहाँ पे आ चुका है जिसका नाम है बंडल इंस्टॉल। और लोगों को पता नहीं क्यों इस एरर में इतनी दिक्कत हो रही है, जबकि यहाँ पे लिखा है रन बंडल इंस्टॉल तो इंस्टॉल मिसिंग जेम्स। बंडल इंस्टॉल तुम लोग लिख दो मिसिंग जेम्स को डालने के लिए, तो प्लीज़ लिखो ना यहाँ पे। ये जो बंडल इंस्टॉल है इसको सिंपल से मैं क्या करूँगा, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में ये जो मेरे पास एक डैश आ गया है इसको मैं कट कर दे रहा हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से एंटर करता हूँ। अब यहाँ से जैसे ही एंटर करूँगा ना, ये काफ़ी सारे टूल्स और काफ़ी सारे फाइल्स को ये ऑटोमेटिक डाउनलोड करने लगेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अभी मैं इसको डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाने तक वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख पाओगे कि ये बंडल्स को ऑटोमेटिक फेच कर रहा है। आपका इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए और आपका जो मेटास्प्लॉइट है वो सही टर्मेक्स के अंदर होना चाहिए। टर्मेक्स अगर प्ले स्टोर वाला है तो प्रॉब्लम दे सकता है, एंड्रॉयड वाला है तभी काम करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाओगे कि मिसिंग जेम्स यहाँ से इंस्टॉल हो रहे हैं, और ये काफ़ी लंबा टाइम लेने वाला है, थोड़ा मतलब टाइम लेता है और ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है हम लोग वीडियो को रिज्यूम करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख पाओगे कि हमारा बंडल इंस्टॉल भी एकदम कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको कोई भी काम करने की और जरूरत नहीं है। सिंपल से ये जो एरो है ना, इसको अगर आप लोग ऊपर करोगे तो वही कमांड पुराने वाले वापस आ जाएंगे। यहाँ पे ./msf console लिखा हुआ है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको बस एंटर कर सकते हो। अगर मैंने एंटर किया, यहाँ पे देख पाओगे कुछ इस टाइप से कॉलिंग से रिलेटेड कोई एरर दिख रही है, बट ये एरर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करके नहीं देने वाली, क्योंकि बंडल इंस्टॉल हम लोगों ने सब कर लिया है। अब यहाँ से आपका मेटास्प्लॉइट बहुत ही अच्छे से चल जाएगा। पर एक इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेटास्प्लॉइट के अंदर MSF वेनम का यूज़ करते हैं एंड्रॉयड के लिए पेलोड्स बनाने के लिए। तो उन लोगों को हमेशा याद रखना होगा कि जो अभी यहाँ पे मेटास्प्लॉइट का कंसोल खुलेगा उसके अंदर MSF वेनम को नहीं लिखना होता है, आप लोगों को हमेशा बाहर लिखना होता है MSF वेनम को। ये लोग बहुत बार गलतियाँ करते हैं इसी टाइप की और बोलते हैं कि भैया इसके अंदर चल नहीं रहा है, उन लोगों को MSF वेनम फाउंड नहीं हो पा रहा होता है। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे स्टार्टिंग द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, और बहुत ही आराम से ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है और सब कुछ परफेक्टली कर दिया है हम लोगों ने। तो इसको चलने से अब कोई नहीं रोक सकता, रुकेगा तभी जब तुम लोग कोई गलती करोगे। यहाँ पे देख पाओगे कि मेटास्प्लॉइट हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से चालू हो गया है, और यहाँ पे देखो हम लोग MSF कंसोल के अंदर हैं। पर याद रखना MSF वेनम यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, MSF वेनम आपको इसके बाहर टाइप करना होगा। हमेशा ये चीज़ याद रखना, वरना आप लोगों को पेलोड्स बनाने में एरर आएगा ही आएगा। आई होप सो कि वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।